भारतीय एनबीसीसी कर्मचारी संघ ने अपने महासचिव बलिराम सिंह के नेतृत्व में 4 अक्टूबर 2023 को एक मेगा उत्सव रैली का आयोजन किया और एनबीसीसी के नवनियुक्त सीएमडी केपीएम स्वामी का पूरे धूमधाम के साथ स्वागत किया। एसोसिएशन के कर्मचारी पदाधिकारी सुबह सबसे पहले एनबीसीसी के प्रगति विहार स्थित कार्यालय पर एकत्रित हुए। उन्होंने बैंड बाजे के साथ जश्न की शुरुआत की। ढोल और ढोलक बजाकर श्री स्वामी के सीएमडी का कार्यभार संभालने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की, जो वास्तव में संगठन से संबंधित है और जो अब तक एनबीसीसी के निदेशक का पद संभाल रहे थे और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। बालाराम को हर बार यही बोलता हूँ, इनका जो प्रेम है एनबीसीसी के ऊपर, इतना उम्र पे भी, मतलब हम लोग के ऊपर, लास्ट टाइम जब मैं डायरेक्टर कमर्शियल बना था उस टाइम में भी इन्होंने ऐसे स्वागत किया था, दोबारा कर रहा है। इनका जो उत्साह है उसको हम निराशा नहीं करेंगे एंड डेफिनेटली एनबीसीसी को और न्यूअर हाइट में लेके जाना। हमने एनबीसीसी बारात मंडपम जो अभी रिसेंटली बनाया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बिल्डिंग है कैपेसिटी का वाइज में, ऐसे अभी अपना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन रहा है। सो एनबीसीसी में और भी बड़े बड़े काम करेंगे सो दैट कार्मिक लोग को भी अच्छा हो जाए, एनबीसीसी का भी अच्छा रहे, एनबीसीसी के लिए एनबीसी का फ्यूचर, मतलब एम्प्लॉय का फ्यूचर सब कुछ अच्छा रहे। स्वागत किया और स्वामी जी को मुबारकबाद देता हूँ। और हम सब एनबीसीसी परिवार हैं, चाहे मजदूर हैं, अधिकारीगण हैं, हम सब मिलके इसको एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे, जहां इसको हम महारत्ना कंपनी बनाने की जो हमारा टारगेट है उसे अचीव करेंगे। और ये सब सिर्फ अकेले हम लोगों से नहीं होगा, पूरा परिवार जिसमें मजदूर अधिकारीगण सब लोग इकट्ठे होकर इसे हम आगे लेके जाएंगे। और इसमें बलराम जी का बहुत बड़ा योगदान है और उनका जो पॉजिटिव अप्रोच है और वो जो हम लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, और हमें उम्मीद है कि इससे हम बहुत आगे जाएंगे। बीसीएल कंपनी थी, डूब रही थी, इन्होंने उसको उगार कर आज मिनी रत्ना में आ गई है, वो भी कंपनी एनबीसीसी जैसा वो भी आगे बढ़ गई है। यहीं तक नहीं, इन्होंने अमरपाली जैसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अमरपाली को इतना आगे ऊंचा ले गए जो कि डूब रहा था, इनके नेतृत्व में यहाँ तक पहुँचाया। आशा हमारे कर्मचारी सब, अधिकारी सब ये आशा करते हैं, हमारे डायरेक्टर साहब भी हैं, दोनों जोड़ी मिलकर कंपनी को आगे भगाएं, काम लें। और जिस तरह से एनबीसीसी पूरे देश विदेश में नाम रोशन किया है, उस नाम रोशन को ये लोग बरकरार रखें और मजदूरों को जो हित की चीजें होती है बगैर मांगे मिलते रहे। दिल्ली से बीसीएन न्यूज के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।